इस चक्का हमारा खुल चुका है और इस साइड के लिए ज्यादा खाली है गाड़ी। गाइस हम आ चुके हैं जलपा स्टील, चेकिंग हो रही है, सब कुछ लग चुका। जितना मेरे को पता था मैंने बता दिया। अब जैसे मेरे को जैसा था मैं देसी बंदा हुआ मैं वैसा बोलूंगा, तो अगर 3-4 हज़ार लेबर का बन गया होगा तो उसमें मेरे को 2 हज़ार डिस्काउंट मिलेगा। काम करवाता हूँ जो काम हो एजेंसी में करवाता हूँ मैं। ट्रक 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 आसान, लेना आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड ऑफिशियल ट्रक लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं 2 दिन बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट पे था, तो थोड़ा आज काम बहुत है, तो थक गया हम बहुत है, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था। थोड़ा मेरे मतलब शरीर थकान हो गई थी बहुत रहा, क्योंकि डेली ट्रक चलाना और भाई डेली अगर रेस्ट ना मिले तो बंदा थोड़ा थक जाता है। तो अभी मैंने 2 ट्रिप लगा लिए हैं, तो एक मैंने जिया का लगाया, एक मैंने जिया से दलासरी का लगा दिया पेवर का, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है ब्लॉग में। तो अभी मैं जा रहा हूँ बिलो की सर्विस करवाने, क्योंकि इसकी सर्विस बहुत ही लेट हो गई है, कम से कम 2-2.5 हज़ार किलोमीटर शायद, मेरा आइडिया ऐसा है। तो अभी मैं जाऊँगा आयशर एजेंसी, तो वहाँ पर करवानी है इसकी सर्विस, बाकी छोटे मोटे काम जो भी है देखेंगे क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों, आज बताता हूँ मैं आपको कि बिलो की सर्विस अच्छे से सर्विस कैसे होती है ट्रक, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। बने रहें दोस्तों ब्लॉग में, मिलते हैं अभी आयशर एजेंसी में। गाइस हम पहुंच चुके हैं आयशर सर्विस, जो कि अपनी बजोरा में है। तो अभी बोल रहे हैं कि मेरा काम हो जाएगा, 2-3 गाड़ियाँ इनके पास, इसका थोड़ा थोड़ा काम इनके बाद करके सीधे मेरी गाड़ी का ही काम होगा। तो आजकल कैंप लगे हुए हैं यहाँ पर, मतलब जो हमारा स्पेयर पार्ट है उसमें हमारे को 10% डिस्काउंट है, और जो लेबर होगी लेबर में रहेगा 50%। अगर 1000 पे लेबर बनेगी तो 500 ही लेबर लगेगी, तो इसको बोलते हैं बाबा किस्मत, तो अच्छी किस्मत है हमारी, क्या बनता क्या नहीं, तो सर्विस तो करवानी पड़ेगी। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मिलिए गाइस हमारे दोनों फोरमैनों से, तो अभी सर्विस का प्रोसेस हो रहा स्टार्ट, जो कि अभी हम केबिन को उठाएंगे। चलो जी, केबिन इसका बहुत आराम से उठ गया है क्योंकि बुश अभी इसके नए हैं केबिन के गच वाले, तो इसको हमने बढ़िया वाली पैकिंग दे के रखी है कि यहाँ से धूल वगैरह अंदर ना जाए, ठीक है। तो अभी केबिन उठा लिया है, तो इसकी मैं खुद अपने आप चेकिंग कर लेता हूँ। ये तो गच है भाई, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके, सब कुछ गच दिख रहा है, ठीक है, तो नया ही नया है सब कुछ, कुछ भी पुराना नहीं है। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, इसका ऑयल निकालना है, ठीक है। ऑयल निकालने के बाद रेडिएटर वगैरह का पानी और गियर ऑयल और डिफरेंशियल ऑयल, जो भी हिस्से का तेल है जो बोलते हैं इसको, सब कुछ को हम ड्रेन करेंगे, फिर मिलते हैं सब कुछ ड्रेन करने के बाद। हम इसका तेल पानी भी चेक करेंगे गच वाला, पहले तो हम सब कुछ ड्रेन करेंगे, ड्रेन, फिर हम चेक के ग्रीस भी कराएंगे, ठीक है। सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि मतलब अगली सर्विस तक मतलब कोई दिल में नहीं रहनी चाहिए, हमने एक एक चीज़ चेक करनी, हर एक पाइप के जो होस पाइप के नट है और अपने जितने भी हमारे को जो दिख रहा है सामने से, वो हमने सब कुछ चेक करना, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका वो करेंगे, इसको हम ड्रेन करेंगे पहले, इंजन ऑयल, गियर ऑयल और हिस्से का ऑयल, ठीक है, गच वाला। ये हमारे ठेकेदार जी आए हुए हैं और ये खाना खाने चलो, तो आप जा नहीं सकते। मैं भाई देखो, मैं गाड़ी से इतना प्यार करता हूँ कि गाड़ी के काम के टाइम में खाना भी निकाल रहा हूँ। बाय बाय गाइस, हमारा जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल निकल चुका हमारा, और हमारा ये जो ऑयल फिल्टर है ये एडजस्ट हो चुका है। ऑयल फिल्टर, ये हमारा पुराना डीजल फिल्टर, और ये हमारा एक और डीजल फिल्टर है बाईपास, जिसको कि बाईपास कहा जाता है। देख लो भाई, 1x1, ठीक है। पहले हमारा इंजन ऑयल जो हमने ड्रेन कर लिया है, ठीक है, जो हमारा ऑयल फिल्टर है ये हमने लगा दिया है, ठीक है। तो गाइज हमारी डीजल सप्लाई की जो एक ग्लासी चेंज की जा रही है, तो ये चेंज हो चुकी है हमारी ग्लासी, हमारा कॉम्बो डीजल फिल्टर हो रहा है चेंज दोस्तों। यहाँ पर है हमारा कॉम्बो डीजल फिल्टर न्यू, जो कि है, इसका MRP है 2385 रुपये। बोलते हैं कि दूर के ढोल सबको सुहावने लगते हैं, ट्रक है चल रहा है। देख लो भाई, एक फिल्टर ही पता कितने का है, 2385। एयर फिल्टर कितने का भाई?
एयर फिल्टर ही देख लो भाई। अब ये हमारा एयर फिल्टर, प्यारा हमारा प्यारा एयर फिल्टर। तो भाई एयर फिल्टर भी हमारा देखो 2690 रुपये का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाई दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब सर्विस का बिल मैं बताऊंगा आपको कि कितना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ काम है नहीं, फिर भी मतलब कि सर्विस का ही मैं बताऊँगा आप लोगों को। रहे इसका फिल्टर हो चुका है चेंज, जो कि अभी हमारे नीकू भाई धो रहे हैं इसको गच करके। है हमारा प्यारा इंजन ऑयल, जो कि हमारा नया इंजन ऑयल जा रहा सीधा खोपचे में। वो है पुराना, हमने निकाला हुआ नीचे, ठीक है। ये पड़ रहा हमारा न्यू। बिल्लो बोलेगी भाई मजा आ गया, गाड़ी ज्यादा सेफ रहेगी। सो देखिए पैसे ज्यादा लगेंगे, बट जो आपका इंजन वगैरह है ना वो लॉन्ग टाइम चलेगा। मतलब अभी तो लगेगा आप कि आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, जल्दी सर्विस हो रही है। जब इंजन लॉन्ग टाइम चलेगा तब बोलेगा बंदा कि नहीं यार, जो मेरे पैसे लगते थे वो सही जगह लगते थे। तो भाई टाइम टू टाइम सर्विस कराया करो, क्योंकि जो हमारी स्टार्टिंग की सर्विस होती है वो होती थी अपने हमारे 10,000 किलोमीटर 12,000 किलोमीटर, क्योंकि गाड़ियों में होता है 500 घंटे का वो दिया होता है, मतलब ये 500 घंटे बाद होनी चाहिए सर्विस। तो 500 घंटे का जो प्रोसेस रहता है वो होता है हमारा 10,000 किलोमीटर 11,000 और 12,000, ठीक है। तो इसलिए मैं उसी प्रोसेस को हमेशा मैं चालू रखता हूँ, क्योंकि गाड़ी का काम मुख्य होना चाहिए भाई, तभी चलाने का मज़ा आएगा, तभी गाड़ी को भी मज़ा आएगा और गाड़ी ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। तो इसलिए मैं करवाता हूँ इसकी सर्विस 10,000 से 12,000 के बीच में, ठीक है। यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं इसकी सर्विस जल्दी करता हूँ, और गाड़ी एकदम ओके रहती है, चलाने का भी मज़ा आता है और गाड़ी कभी मतलब ज़्यादा तंग नहीं करेगी, नुकसान नहीं करेगी। अब यार जो रुको एक मिनट, पुराना ऑयल बताता हूँ मैं। देख लो भाई कितना काड़ा हुआ है यार पुराना ऑयल, देख लो यार, ये देख लो यार, इसमें तो कुछ देखने लायक नहीं रहा भाई, देख लो क्या है मतलब, देख लो यार, देखो ये देखो, मतलब 12,000 में इसकी बिल्कुल लग ही नहीं रहा जो ऑयल है, देखो बिल्कुल पानी बन गया है इसका, बिल्कुल पानी बन गया दोस्तों। ये रीज़न है कि थोड़ा जल्दी जल्दी सर्विस कराया करो, क्योंकि गाड़ी को भी अच्छा फील होना चाहिए, तभी काम अच्छे से होंगे। तो बस टाइम टू टाइम काम कराओ, सर बहुत महंगा फिल्टर दे रहे आप। अरे भाइयों ये हमारा जो ऑयल फिल्टर है देखो, ये निकाल दिया हमने डीजल फिल्टर। तो हमारा जो न्यू डीजल फिल्टर है वो लग चुका है वॉश, तो अभी जो हमारे एयर फिल्टर है इनको चेंज करेंगे। ये हमारे दो एयर फिल्टर, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। दोस्तों ये हमारा पुराना फिल्टर है, ये बड़ा है और ये है छोटा वाला, उसको ले जाएंगे हम। तो ये हमारे नए फिल्टर आ चुके हैं। तो इसका प्राइस है भाई, जो पहले आया था वो गलत था, ये वाला है सही जो आया, इसका प्राइस है 2175। गाइस देखिए हमारा न्यू चमचमाता। तो भाई अब जो बिल्लो की जो नाक है उसमें धूल नहीं पड़ेगी, बिल्लो की नाक एकदम साफ रहेगी। तो इसको हम टच करके लगाएंगे अभी। तो एयर फिल्टर को लगाने की तैयारी हो रही है। तो हमारा गियर ऑयल निकल चुका है गाइस, ड्रेन हो रहा है पुराना वाला। एयर फिल्टर जो है भाई इसको हमने लगा दिया है गच करके, अब इसका ढक्कन लगाएंगे। देखो भाई इंजन ऑयल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑयल फिल्टर हो गया, गियर ऑयल को निकाला जा रहा है, इस पे नया गियर ऑयल डालेंगे गच वाला। गाइस अब मैं आपको एक बार डिटेल में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया, ठीक है। मैंने नहीं फॉर्मेल में, ठीक है। देखो पहले हमने टंकी से स्टार्ट, ग्लासी चेंज, ठीक है, बाईपास फिल्टर चेंज, जो हमारा मेन डीजल फिल्टर है वो चेंज, ठीक है। जो हमारा ये वाला अपना ऑयल फिल्टर है ये चेंज, ठीक है। तो हमारे एयर फिल्टर दोनों चेंज, ठीक है। और हमारा इंजन ऑयल हो गया चेंज, ठीक है। गियर ऑयल हमने निकाल दिया है और इसको भी नया डालेंगे। तो अभी हमारे भाई जो पीछे हिस्से का तेल निकाल रहे गच वाला, तो ये हमारा गियर का ऑयल है। तो भाई इसकी थिकनेस तो भी ठीक है, बट इसमें हमने बोला कि क्योंकि गियर की लाइफ अच्छी होगी तब, तो अगर हम नया ऑयल डालेंगे तो ठीक है। तो अभी हमारा इतना ही काम हुआ है, इसके बाद हमने ये अपना पावर स्टीयरिंग ऑयल भी चेंज करना है और कूलेंट भी चेंज करना है, ठीक है, कूलेंट। और फिर हमने चक्के ग्रीस करवानी है और एंड वगैरह बदलना है,
बस इतना ही काम था छोटा मोटा। गाइस लास्ट में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा एक नच वाली, मैंने क्या क्या काम और कैसे कैसे करवाया, ठीक है। तो आज की जो सर्विस है, जो दूसरी सर्विस होती है हमारी, फुल होती है, बिल्कुल फुल। ये चलिए हमारी फुल सर्विस। तो गाइस अभी हम थक चुके हैं और हमारी अभी थोड़ा मोशन बनाने के लिए हम दारू पार्टी कर रहे हैं। तो अभी आई मीन हम यहाँ पर देसी दारू पी रहे हैं, थर्डा, ये हमारा थर्डा है देसी दारू। तो अभी हम थोड़ा गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं अपनी, जब सुरूर बनेगा तो काम अच्छे से होगा, इसलिए हम थर्डा पार्टी कर रहे हैं भाई। देख लो भाई दारू पी के टन, अब देखना है इनकी बैटरी क्या दी, चार्ज हो गई है, ठीक है। तो हमने पूरी बोतल उड़ा दी भाई इसके अंदर, मतलब इसके अंदर भाई ड्यू नहीं थी, इसके अंदर देसी थर्डा था, ठीक है। डालना भी है इसमें। तो दोस्तों अभी हुआ है लंच टाइम, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, बाकी भाई लोग गए खाना खाने। तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि पहले गाड़ी का काम जरूरी है, तो उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। तो अभी मिलते हैं दोस्तों लंच टाइम के बाद, बाय बाय। चलिए पूरा इसे का नहीं, इसे का तो इस तरह से डालते भाई गियर ऑयल गन के साथ, ठीक है। हमारा ऑयल का प्रोसेस रहता है सारा हो चुका है, गियर ऑयल, इंजन ऑयल, फिल्टर वगैरह जितने भी फिल्टर होते हैं, ग्लासिया चेंज हो चुकी है। तो सर्विस का प्रोसेस हमारा पूरा हो चुका है। हम जो हमारे ये चक्के होते हैं, चक्के इसकी जो ग्रीस है, तो इसको खोल के बाहर ग्रीस करवाएंगे। तो जो हमारे एंड है, जो स्टेयरिंग रॉड होती है उसके एंड, वो भी गए हैं, उनको भी देखते भी, तो मिलते भी थोड़ी देर बाद। अभी हमारे टायर निकाले जा रहे हैं, तो इसका देखना है हमारे को अभी इसके अंदर क्या दिक्कत है। तो अभी निकालते हैं टायर, फिर मिलते हैं टायर निकालने के बाद। इतने का रिकस। तो गाइस हमारी ग्रीस की बन चुकी है बिल्कुल सिक्कर, जिसे कि हमारी पहाड़ी भाषा में सिक्कर का आ जाता है, सिक्कर मतलब कीचड़। तो हमारी ग्रीस की बन चुकी है सिक्कर, सिक्कर बोले तो हिंदी में स्लज टाइप हो गई यार वो कीचड़। तो भाइयों पहली बार इस गाड़ी की ग्रीस की जा रही है, वो भी एजेंसी में, हमारी के मोटर आयशर एजेंसी। इस चक्का हमारा खुल चुका है और इस साइड के लेदर ज्यादा खा लिए गाड़ी ने, इस साइड के लेदर खाए ज्यादा भाई, ऊपर नीचे कर रही है। अल्टी पल्टी करो इनको, दो दाओ बढ़िया। तो गंद बहुत मची है भाई, इसको साफ सफाई करते हैं, तो ग्रीस ग्रूस करके बढ़िया। इसके किंग पिनों में आ चुकी है थोड़ी प्ले, तो हम किंग पिन का काम भी करवा रहे हैं और इसको निकालेंगे और इसको ले जाएंगे अब भुंतर, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं होगा। इसकी बुश की जो अलाइनमेंट है वो खराद वाला भाई बताएगा। ये ठीक ना, इसमें प्ले पर पाने दोनों पाने, ठीक है। इसका काम हो चुका है और दूसरी साइड भी काम चला हुआ, धड़ाधड़ 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 ढंग से लग नहीं रहा है। तो गाड़ी की पाड़ा पाड़ी दुआ दी इन्होंने, तो इन्होंने गाड़ी के बुरे हाल कर दिए मार मार के। इनको खोलने का प्रोसेस बहुत ही खतरनाक होता है, देख लिया होगा आपने। तो अभी स्पैंडल निकालेंगे, फिर मिलते हैं स्पैंडल निकालने के बाद। ये कबूतर जा 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 कबूतर, आ आ आ आ आ
फर लिया हो जोर बोला आ जा आ जा। पड़ गई इसको। गाइस ये मेरा नया कबूतर है, मैंने अभी इसको हबर से पकड़ा हुआ है। मेरे में ऐसी पावर है कि मैं सीधा कबूतर पकड़ लेता हूँ, तो जिसको भी ये कर तब देखना, तो प्लीज मेरे से मिले। तो कबूतर कबूतर जा वो सिरिंज से प्रतिन को देना, ले ले ले, ले। ये बिल्लो के साथ घूमेगा आज का। बाय बाय, लव यू गाइस, लव यू। मजे में बैठे हो? फोन का देखा? मजे में बैठे थी? ठीक है, हाँ। बाय बाय। जंगली कबूतर भी इतने फ्रेंडली होते हैं, मुझे पता नहीं था, पहली बार देख रहा हूँ मैं कि जंगली कबूतर इतना फ्रेंडली है। तो गाइस अभी हम पुरानी बिल्लो में आ चुके हैं, स्पैंडल जो हमारे बुश लगेंगे इसमें, तो इसको ले जा रहे हैं हम अपना बुंतर खराद वाले के पास। तो भी हमने डाले हुए स्पेंडर, देख सकते हैं आप दोनों, तो बुश भी डाले है, किंगपिन भी डाली है, तो इनको लगा के आते हैं सीधा बुंतर से, फिर मिलते हैं गाइस बुंतर में सीधा। गाइस हम आ चुके हैं जलपा स्टील इंजीनियरिंग वर्क, जो कि है हमारे बुंतर आती थान में, ठीक है। तो यहाँ पर करना हमारे को बुश वगैरह जो है डलवाने, उसकी अलाइनमेंट बनानी है। तो जो जो लोग भाई बड़ी गाड़ी चलाते हैं उनको पता किस तरह से होगा, बाकी पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो अभी मिलते हैं दोस्तों इसका काम होने के बाद। गाइस हमारे बुश आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, जो कि हमने मेकिंग पिन वगैरह लगा दी है। चल रहा, तो बुश लगा के हम आ चुके हैं एजेंसी में वापस, और अब जोड़ेंगे इनको। तो अभी तक देखते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया है। तो दोस्तों ग्रीसिंग हमारी हो चुकी है दोनों चक्कों में, और किंग पिन के बुश हमने तैयार करके ले आ दिए भाई बचवाड़े, ठीक है, खराद वाले के वहाँ। तो सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, लेदर वगैरह हमारे साफ हो चुके हैं, तो हब को जोड़ना अब गच करके, ठीक है। इस साइड भी सेम प्रोसेस हो चुका है हमारा, बुश वगैरह हमने डलवा दी है, ठीक है, अब लगाना है बस। तो गाइस यहाँ पर हमारा पूरा साफ सफाई का वर्क चला हुआ है, गच वाला नहीं, ये हमारा इतनी फंसी। देखो दे, तू चला परे दो मीटर, कोई पांच मिनट लगी जिंदगी होगी। एक भाई भी आखिर था नहीं किता ले तो नट किए जा रहे हैं टाइट। इसका क्या लगाएंगे हम फोरमैन जी? चक्का तड़ाना सीन बद गया हूँ सीधा। डिस्क को लाने की तैयारी हो चुकी है, और ये जो हमारा जुगाड़ है पूरा ऑल इन वन, लेदर वगैरह जो भी है, स्प्रिंग्स जो भी है, गोलियां वगैरह जो भी है, ऑल इन वन, ओके। नाले हमारा चक्का आता हुआ गच वाला, तो इसको अब लगाया जाएगा गच करके। आपकी साइड का लग चुका है हमारा जस्ट चेकिंग, जस्ट चेकिंग की रिपोर्ट है। बोलते लॉक भाई, लॉक किया जा रहा है चक्के को पिन के साथ। अरे दोस्तों लाइनमेंट की जा रही है, लाइनमेंट रॉड के साथ, जेन्युइन लाइनमेंट बोलते भाई इसको। छोड़, ओके, अब चल पीछे, लाना कुछ नहीं। इज दैट फॉल्टेड? काकी लाइनमेंट तो तेरी ठीक है ना? गाइस हमारा आयशर लाइफ मैक्स स्टीयरिंग ऑयल, तो इसको भी चेंज किया जा रहा है। तो गाइस हमारा जो ये पावर स्टीयरिंग ऑयल है हमने ब्लीड कर लिया है, और यहाँ पर हमने नया डाल दिया है गच वाला, ठीक है। सर्विस ओके, फिल्टर ओके, डीजल फिल्टर ओके, ठीक है, ऑयल फिल्टर ओके,
एयर फिल्टर ओके, इंजन ऑयल ओके, गेयर ऑयल ओके, डिफरेंशियल ऑयल ओके, ठीक है सब कुछ ओके, चक्के ग्रीस ओके, ठीक है किंग पिन ओके भाई, ये जो किंग पिन देख सकते हैं आप, किंग पिन ओके, ठीक है। तो हमारे मेन चीज़ एंड जो है हमारे चारों एंड और परे वाला एंड ओके, ठीक है। तो ऑल इन वन ओके, कूलेंट ओके, सब कुछ ओके, तो इसको बोलते हैं बाबा फुल सर्विस। तो हमारे दो चक्के बच गए हैं, तो भाई अभी टाइम नहीं है, तो इनको कराएंगे हम कल, इनको बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी भाई इतने मत हमारी फुल सर्विस, तो अब मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों बात ये सी कि पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है, फिर भी मतलब कि मैं नहीं कहता हूँ कि मैं ही बड़ा हीरो हूँ, मेरे को ही सर्विस कराने का पूरा नॉलेज है, मैं नहीं बोलता हूँ भाई, ठीक है। हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है, तो मेरा तरीका ऐसा था, मैंने अपना तरीका बताया। बाकी जो गाड़ी जो है ये चल पड़ी है 45,000 किलोमीटर, 45,361, ठीक है। तो 45,000 किलोमीटर तक इसकी किंग पिन नहीं हुई है मेरे आईडी से, मतलब कि मतलब 40-45 मतलब इतने में हो जाती है हमारी तीन सर्विस है, ठीक है, तीन या चार सर्विस हो जाती है। तो चार सर्विस पांच सर्विस इतने में मतलब किंग पिन होनी चाहिए गाड़ी की मेरे आईडी से, एंड वगैरह बदलनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम पीरियड रहता ना, क्योंकि पता नहीं होता अब लो आया घिस घिस के पतला हो गया होना भाई, तो एक टाइम पीरियड का रहता कि नहीं यार टाइम पीरियड में काम हो गया, तो वो चीज़ थी। कोशिश करो कि 40-50,000 किलोमीटर पे अपना जो किंग पिन का काम है कराना चाहिए, ठीक है मेरे आइडिया से। बाकी बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मैं नहीं बोलता हूँ कि हमेशा भी, मैं दोस्तों यही कहता हूँ मैं ही नहीं हूँ यहाँ बड़ा बादशाह लगा हो कि मेरे को ही नॉलेज है काम कैसे होना है, ऐसा नहीं है, हर बंदे का नॉलेज अपनी जगह सही है भाई, ठीक है। मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, ना भाई मैं इस चीज़ को ही नहीं करता। हाँ भाई मेरे को जितना पता है मैं इतना बताता हूँ बस, बाकी नहीं भाई मेरे, मैं इस चीज़ में नहीं बोलता हूँ, हर बंदे का अपना नॉलेज अपना अपना होता। हाँ भाई जिनको लगता है कि मैं अच्छा कोऑपरेट करता हूँ सही बताता हूँ, वो बंदे भाई मेरे को वो करेंगे। तो ऐसी ऐसी बात है दोस्तों, तो जितना मेरे को पता था मैंने बता दिया। अब जैसे जो हमारे पीछे वाले चक्के हैं वो रह गए, उनकी ग्रीस रही है करवाने को भी, ठीक है। जो अब यार चक्के हैं जो भी व्हील वगैरह बोलते हैं भाई, मैं मेरे को ऐसा आता है, मैं देसी बंदा हूँ भाई, मैं वैसा बोलूँगा, मेरे को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, मैं भाई फैरान पढ़ बंदा 10 पढ़ा हुआ, ठीक है। तो मैं जो बोलता हूँ जो हमारे गुरु वगैरह ने बताया भाई, चक्का पिछले चक्के की ग्रीस होनी है वो रह गई है बस, बाकी आजकल लगे कैंप तो मेरे को काफ़ी डिस्काउंट मिलने वाला है इस पर, ठीक है। तो अगर 3-4 हज़ार लेबर का बन गया होगा तो उसमें मेरे को 2,000 पे डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि 50% लेबर पे डिस्काउंट चला हुआ है आईशर में और कल तक है। तो ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट चला है तो तभी मैं काम कराने हूँ, ना भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ऐसे भी एजेंसी में ही काम करवाता हूँ, जो काम हो एजेंसी में ही करवाता हूँ मैं। बाकी हमने ऐसा रखा कि हम सब जगह जाते हैं काम कराने भाई, हमने हर जगह दोस्ती कमाई, हमने दुश्मनी की शुरू हुई है, ठीक है। तो बस यही है, दो ही काम रहे, कूलेंट रहे डालने को, पिछले चक्के का रहे ग्रीस कराने को। तो भाई ऐसे ऐसा है ना, देखो डिफेंशियल ऑयल हो गया चेंज, गियर ऑयल हो गया चेंज, तो इंजन ऑयल हो गया चेंज, ठीक है, एयर फिल्टर हो गया चेंज, टंकी के ऊपर वाली ग्लासी होगी चेंज, अपना बाईपास फिल्टर चेंज हो गया, ऑयल फिल्टर जो पंप होता हमारा जब हवा वगैरह कोई ले ले तो पंप ऑयल वाला पंप वो हमारा चेंज हो गया, ठीक है, डीजल पंप, ठीक है। तो हमारा बाकी इंजन ऑयल चेंज, गियर ऑयल, ऑयल तो हमारा सारा चेंज हो गया, बाकी अब रहा हमारा क्या, कूलेंट और पिछले चक्के, ठीक है। सर्विस से रिलेटेड जितने भी हमारे काम थे मैंने बार बार बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, सब कुछ चेंज हो गया, क्लोज हो गया। तो अब ब्रेक के मतलब ब्रेक के उठा रहा हूँ, थोड़ी ब्रेक के उठा रहा हूँ, तो अभी अब कल से परे फिर से चलेंगे काम पे, अगर टाइम लगेगा तो करा लेंगे पिछले चक्के, नहीं तो भाई क्या करना, काम का रगड़ा बहुत है, देखते हैं चलाना पड़ेगा ऐसे ही, ऐसे करने तो है, कल देखेंगे शाम को जैसे 3-4 बजे अगर टाइम लगेगा तो आएंगे तो करवाएंगे। बाकी बताना यार आपको मेरा ये काम कैसा लगा, जो मैं सर्विस स्टाइल मेरा था जैसे टाइम पीरियड पे जो है भाई उस करके मेरा सर्विस का जो काम है इतना हुआ, तो मैं आपको बिल भी बताऊंगा कि ये काम कितने का हुआ। तो बोलते हैं ना भाई कि ट्रक 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 आसान, लेना आसान है चलाना बहुत मुश्किल है, ये तो हमारे मालिक लोग ही जानते होंगे कितना महंगा महंगा काम करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं गाड़ी कमाती है चलती है तभी खर्चा मांगती है, पर फिर भी मतलब बहुत रिस्की और बहुत ही पैसे वाला काम है भाई ये गाड़ी का। तो अगर ऐसे ऐसे काम होते ना तो हमारे को, हम जैसे ड्राइवरों को खुद डर लगता है कि कल दिन लेनी है गाड़ी की, नहीं
क्योंकि भाई ऐसी चीज ऐसी बच्ची है। तो दोस्तों अभी चलता हूँ मैं घर, तो इस ब्लॉग को करते यहीं पर खत्म। बताना यार मेरा काम करने का स्टाइल आपको अच्छा लगा कि नहीं। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बताना यार आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा इस ब्लॉग का। तो ऐसी गाड़ी से रिलेटेड मज़ेदार वीडियो मैं लाता रहूँगा, नॉलेज वाली वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो मतलब कि बाकी काम हो या ना हो, बिल्लों की सेफ्टी फर्स्ट है भाई, ठीक है। सबसे पहले सेफ्टी, बिल्लों का काम टाइम टू टाइम मैं करवाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इससे प्यार है भाई, ये काम करके देती, तो इसका काम भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा है, ये मेरा और बिल्लों का प्यार है। और ऐसा नहीं यार, जो हमारे लाला जी है उनको भी गाड़ी का काम मतलब टाइम टू टाइम करवाना सही लगता है। वो खुद पूछते रहते हैं हमारे को कि कोई काम तो नहीं ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम ही बड़े फन्ने खाए, नहीं, जब हमारे लाले की सपोर्ट है ना हमारे को, तभी हमारा काम अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा है, तो बताना यार अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और कहीं ना कहीं मेहनत करते रहो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो जिसके पास भी बिल्लो है भाई, अपने बिल्लो का अच्छे से काम करवाओ, ध्यान रखो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।